आपने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई। उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर, तो अब आपसे बिल्कुल बातचीत करना चाहेंगे आप ऐसे कोई। हमारे बीच में बहुत सारे कला समीक्षक भी बैठे हैं, कलाकार भी बैठे हैं, शिक्षा से जुड़े लोग भी बैठे हैं, पत्रकार भी हैं। ये से दिमाग में शुरू में उनकी मतलब जो भावना है देखी पहले जाके या वैसे सुन रहे हैं? बेसिकली बनारस मेरे गांव के आसपास ही है, हालांकि मैं बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, तो इस बारे में जानकारी थी। मतलब हमेशा जब भी मैं अपने गांव जाता था 100 किलोमीटर दूर वहीं बनारस से ही है, तो बनारसी साड़ी तो मतलब पूरे देश भर में देश के विदेश में भी लोग बहुत जानते हैं। और बुनकरों की बारे में लोग हमेशा मतलब न्यूज़ में भी आता रहता था कि बुनकर मर रहे हैं, बुनकरों को तकलीफ हो रही है। तो मैं बनारस से जाता तो मेरे मन में हमेशा ये बात रहती थी। और हमारी जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो जयपुर से ही हैं इनफैक्ट, तो उन्होंने कहा कि मतलब इस सब्जेक्ट को एक छोटा सा हम इस इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। 5-10 मिनट का हमारा शुरू में प्लान था, तो हम एक बार ऐसे ही कुछ वीवर से मिलने चले गए। जब कुछ वीवर से मिलकर हमने बातें की, पता लगाया, तो हमें पता चला कि ये इशू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये मतलब बहुत छोटी सी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको इस फिल्म में हमने पूरा ओवरऑल कवर किया कि शुरुआत कैसे है, तो हमें लगा कि मतलब लोगों को ये बताना ज़रूरी है। ऐसा मतलब एक बुनकर मर रहा है सिर्फ एक छोटी सी बात से ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। हम सब जिम्मेदार हैं एक तरीके से, जो आने वाली पीढ़ी है वो पुराने कल्चर्स और आर्ट और क्राफ्ट पे इतना ध्यान नहीं दे रही, और जो आर्टिस्ट है उसके एटीट्यूड आप देख ही रहे। मतलब यू नो वो नहीं चाहते, वो किसी से जाके मांग नहीं सकते, वो इतना एफर्ट और उनकी जो 4-5 पता नहीं मतलब कितने सालों से कितनी पीढ़ियाँ उनकी काम कर रही है और इतना समय वो लोग दे रहे हैं, और जो समाज है वो उसको उस बारे में जानकारी नहीं। मतलब सबसे बेसिक चीज़ जो मैं भी बनाते वक्त सीखा कि हमें आज के समय में हैंडलूम और पावरलूम का डिफरेंस नहीं पता है। तो बनारस में आप जाते हैं बनारसी खरीदते हैं, लेकिन बनारसी आपको पता ही नहीं है कि हैंडलूम अगर नहीं है तो बनारसी आप उसको कह ही नहीं सकते। लेकिन उसका बनारसी है वो अगर मांगते हैं कि हाँ हमें असली बनारसी चाहिए, तो फिर दुकानदार भी समझदार होके असली जो हैंडलूम है वो देते हैं। तो ये बड़ा मतलब मन में था हमारे, और ये व्यूवर्स की लाइफ हमको दिखानी थी, इस प्रकार से हम लोग यही इंटेंशन था सर कि अवेयरनेस एक लोगों को अगर मिल जाए तो लोग अपने आप आगे बढ़ के सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इसकी जो खूबसूरती है सबसे बड़ी बात की जो लाइफ आपने डिपिक्ट की वो बहुत संघर्षशील है, और मैं तो मानता हूँ एट दी कॉस्ट ऑफ द लेबर एंड द पॉवर्टी द हेरिटेज है डेवलप्ड इंडिया, इट्स अ वेरी सैडनेस। और ये गैप जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बावजूद इसके कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें बदल गई और सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से हम सोच रहे हैं सुधर जाए, किंतु फिर भी सुधारने के लिए न तो सरकार तैयार है, न ब्यूरोक्रेसी तैयार है, न हमारी कैपिटलिज्म व्यवस्था तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आपने हाईलाइट किया। मेरे ख्याल में मोटिवेशन का जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो घोड़ा जी ने जिसको हाईलाइट किया, मैं भी लगभग उसी पॉइंट पर बात कर रहा था कि एंडिंग मोड वॉज वेरी फाइन एंड डिमांड वी विल नॉट डिमांड बट वॉट एवर वी गेट वी टेक, बट उसको अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भाग्य से जोड़ा है, मुकद्दर से जोड़ा है। मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आना कि मुकद्दर से जुड़े हुए लोग इसलिए हैं क्योंकि निश्चित रूप से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए सब कुछ मुकद्दर के अधीन है। हमें इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस सोच को बदलने की जरूरत है, और इसमें थोड़ा सा एडिशनल चेंज की आवश्यकता है कि मुकद्दर इज नॉट द रियलिटी, द रियलिटी इज स्ट्रगल एंड डिमांड दैट शुड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपने बहुत फाइन थ्रेड से इसको किया है, और हेरिटेज का जो पक्ष है वो इसमें थोड़ा कमजोर है। मैं चाहता था कि हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे राजा रजवाड़ों की कुछ आप बता दें, कुछ अच्छे लेवल पर ट्रैफिक दिखा दें, टेक्सटाइल्स की रिचनेस को दिखा दें, मिनिएचर पेंटिंग्स दिखा दें, कुछ महाभारत कालीन कुछ चीज़ें बता दें, तो शायद इसको थोड़ा और बल मिलता। किंतु समय आपके पास क्योंकि सीमित है और डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो ये सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट इज वेरी नेचर यू टेक वेरी वेल, तो थैंक यू लॉट एंड थैंक यू सो मच। अब आपका जो विषय पर फिल्म बनाने का मतलब अगला सी मेरा पर्सनली मानना है कि इंडिया में जो एंशियंट कल्चर या जो चीज़ें वो धीरे धीरे मतलब लोग ध्यान नहीं दे रहे,
तो मैं चाहता हूँ कि इसी सब्जेक्ट पर लाइक यू नो और भी चीज़ें खोज करूँ और पता लगाऊँ कि और ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं, मतलब एक हम लोग चाह रहे थे कि और ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाए जो चेन हो जाए, कि और दूसरी डाइंग आर्ट है जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे, एक तरह से रिवाइवल का काम, जो पुरानी सभ्यताएँ हैं वो कुछ भी हैं लाइक वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और नई जनरेशन जो है मॉडर्नाइजेशन है, विच इज़ फाइन, बैलेंस होना ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है कि कल को अगर लोग जानना चाहें कि हमारा हिस्ट्री क्या था, तो फिर वही मतलब क्वेश्चन ना मिले कि ऐसी हिस्ट्री थी भी कि नहीं थी, जैसे जयपुर की ज्वेलरी है ये भी धीरे धीरे खत्म होती जाए, तो वही ऐसी चीजें मतलब हमें रिसर्च प्रिंट है बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब ऐसे जयपुर वाले देखे ये लोग बनारस के हैं इसलिए मैंने जयपुर को लिख क्यों वाली मतलब चीज बताई। अच्छा एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण सा बधाई तो है ही, क्या इस तरह ऐसा कुछ है कि जो पावर रूम और हैंडलूम में जो मीडिया काम में लिया है, जो थ्रेड काम में लिया है, जो मटेरियल काम में लिया है, उसमें कुछ फर्क है या दोनों का मटेरियल एक है? सर डिपेंड करता है कि मतलब जो बनाने वाला बुनकर है वो एक कॉस्ट को माइंड में रख के बनाता है। नहीं नहीं प्रश्न ये है कि जो उसका मीडिया है मतलब उसका मटेरियल है, हाँ मतलब क्या इस तरह का है कि जो ये क्लियर कट पता पड़े कि ये हैंडलूम की है और ये पावर रूम की है, जिससे कस्टमर उसको ये पता पड़े कि मैं जो चीज ले रहा हूँ वो वैल्यू फॉर मनी है, ये जो चीज मैं ले रहा हूँ उसका ये मूल्य है, ये जो चीज मैं ले रहा हूँ वो फुली हैंडलूम की है या पावर रूम की है। अगर देखेगा हैंडलूम की है तो उसको उतना प्राइस देने में उसको हिचक नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसके उसको उसकी यूटिलिटी पता है। तो क्या इस तरह का कुछ पक्ष इसमें मतलब जिन लोगों को, हाँ जिन लोगों को जानकारी है हैंडलूम और पावर लूम में, अगर वो छुएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हैंडलूम का जो फील एंड टच है, जो इंट्रिकेट डिज़ाइन है उसका, वो जाना जा सकता है। जो चीज़ हाथ से आदमी बुनता है और मशीन जो है वो उतनी बारीकी नहीं कर सकती, तो जिनको ये जानकारी है वो अपने मन से पता लगा सकते हैं। बाकी जैसे इसमें दिखाया है कि GI मार्क करके एक चीज़ आ रही है, अब वो टैग लग गया है, उस टैग में बकायदा हैंडलूम लिखा हुआ है, अगर लोग जा रहे हैं खरीदने और कह रहे हैं कि हमको हैंडलूम चाहिए और GI मार्क है, तो वो मार्क देख सकते हैं, तो दुकानदार उनको ठग नहीं सकता उस बात पे। तो ये एक चीज़ है। बाकी जिनको कपड़े की समझ है, जैसे मैं, मुझे तो इतनी नहीं थी, लेकिन मेरे जो दादा थे और उस समय के जो लोग हैं वो कपड़ा छू के कह देते थे कि ये कपड़ा मतलब इसमें दम नहीं है, इसमें दम, तो वो छूने वाले जो सेंसिबिलिटी है ना वो आज के समाज में, आज के समय में लोगों में नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों में है, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो टच एंड फील में नहीं है, वो मार्केटिंग में ज़्यादा जाती है। तो आई फील कि जिसको सेंसिबिलिटी है, जो टेस्ट है जिसको, वो हाथ से अगर छुएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हैंडलूम है, ये पावर रूम है। बाकी मार्क भी आप धीरे धीरे इसको प्रमोशन किया जा रहा है गवर्नमेंट कर रही है। साड़ी एक सिटी से नाम वो नाम ब्रांडिंग करती है, इस फिल्म में वो सिटी से कनेक्ट नहीं किया आपने उसको? एक्चुअली सर मैं जब इस सब्जेक्ट को कवर कर रहा था तो मुझे पता था कि बनारस लोगों ने इतना दिखाया हुआ है, एंशियंट सिटी मतलब हर तरीके से इतना, तो मुझे पता था कि लोगों के अंदर भावनाएं होंगी कि शहर भी देखना है, ये देखना है। मुझे क्या था कि मुझे उनके लाइफ के अंदर घुसना था, और ये बहुत ही मतलब ऑर्गेनिकली हुआ। जब मैं लोगों से मिलने लगा तो मुझे लगा कि ये वीवर्स के बारे में, इनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं दिखा पा रहा है, लोग सिर्फ एक वीवर को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनकी तकलीफ है, इनकी जान जा रही है, इनको हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, लेकिन कैसे? जैसे कि अभी किसी ने मेंशन किया कि सरकार और जो लोग हैं ये सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी सोच जब ये फिल्म बनाने की हुई तो मैं सिर्फ यही सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारी जो इतनी पॉपुलेशन है, जब उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि हैंडलूम क्या है, पावर लूम क्या है, तो हम अपनी एंशियंट कल्चर को क्या संभालेंगे? नहीं मैं ये मेरे कहने का आशय ये था, सिटी से कनेक्ट का मतलब थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़े 2 मिनट का 2.5 मिनट का होता कि कैसे इस सिटी में आया है, इस सिटी में कैसे बना है, तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आ जाता कि कहाँ से आया, ओरिजिन कहाँ था, यही के लोगों ने इसको ग्रो, यही से बना और यही से ग्रो किया या कहीं बाहर से आया, क्योंकि है तो ये मशीन। नहीं इनिशियल में हमने थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू हमने बताने की कोशिश की कि जो बनारस में वो कैसे बात कर रहे थे उनमें से किसी से अपन, हाँ उनमें से कहला सकते तो बात थोड़ा डिटेल में हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि हैंडलूम वो भी एक तरह की मशीन थी, हाथ का काम तो नहीं था, एडवांस सेटअप था। अब उस मशीन भी हुआ और लूम आ गया, लूम वही रहा और उसमें ऐड हो, तो ये तो जमाने के साथ बदलाव आएगा, तो ये भी बदलाव था, जब लूम बना वो मशीन आई और वाली मशीन आ गई, दूसरी फैक्ट्री वाली मशीन आ गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि भाई जो पावर यूज़ नहीं करेंगे
वो हैंडलूम उन्होंने एक मोटा परिभाषा कर ली ठीक है। पर इसमें एक बड़ी चीज मुझे लगी वो थी पैटर्न। इसी जमाने में पैटर्न्स होते थे वो अब नहीं रहे। तो इस डेमोक्रेटिक सेटअप में अब पैटर्न कौन? स्टेट। और दुर्भाग्य से स्टेट वो पैटर्नेज का रोल नहीं अदा कर रहा। आश्चर्य की बात है कि डिमांड बढ़ रही है जैसा आप कह रहे हैं और अब लोग काम करने वाले नहीं है, तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि हाउ टू मीट विद द डिमांड। नहीं सर, एक और चीज़ जो मैंने ध्यान दी थी, इस वजह से भी मैंने ये कवर किया था कि ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे देश भर में लोग बनारसी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, लोग खरीदते हैं। सरकार आप छोड़िए, मैं कह रहा हूँ आम आदमी, मेरे घर में जो लेडीज़ हैं या बाकी भी लोगों को जब मैं मिलता हूँ, बनारसी और कांजीवरम जो साउथ का है लोग खरीदना चाहते हैं। तकलीफ क्या हो रही है कि आप जब जा रहे हैं मार्केट में खरीद रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं है कि ये मैं पावरलूम खरीद रहा हूँ। बाकी उनके ऊपर है, अगर वो पावरलूम लेना चाहें पावरलूम में कोई तकलीफ नहीं है। आपको इस बार कम पैसे में खरीदना है पावरलूम खरीद रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप खरीद रहे हैं वहाँ पे मार्केट में क्या कर रहे हैं लोग? वो हैंडलूम की चीज़ें बोलकर पावरलूम की चीज़ें दे रहे हैं और पैसा भी उतना ले रहे हैं और लोगों को जानकारी नहीं है। वो तो सोच रहे हैं कि बनारसी है भाई, हमारे खानदान में बनारसी एक तो रहना चाहिए, ये रहने चाहिए, शादी में लोग बनारसी पहनना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी मेरा फोकस था, मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि पावरलूम लोग ना पहने और हैंडलूम पहने। पॉइंट इज कि अगर आप हैंडलूम पहनना चाहते हैं तो आप हैंडलूम खरीद रहे हैं और लोग आपको ठगे नहीं, वो जान रहे। और अगर हम हैंडलूम खरीदते हैं, मान लीजिए जो एक इंडिविजुअल आदमी अगर हैंडलूम खरीदता है वो पैसा सीधे बुनकर पे के पास जाता है, लेकिन वही अगर आप पावरलूम खरीदते हैं तो बुनकर के पास नहीं जाता है पैसा, वो जाता है किसी पावरलूम की जिसने सेटअप डाली हुई है। तो मैं कह रहा हूँ आप पावरलूम को भी सपोर्ट करो, हैंडलूम को भी सपोर्ट करो, ठग के नहीं, ओपनली कि हाँ भैया मेरे को पावरलूम खरीदना है, मैं पावरलूम में पैसा दूंगा। So that was the idea. होती है और किताब होती है, वो सर इतनी बात समझ में नहीं आती। विजुअल ऑडियो विजुअल का यही बड़ा खूबसूरती होती है कि हमको वो चीज़ जो समझनी चाहिए वो डीप तक जाके हम समझ पाए। बिल्कुल साहब का सवाल कर, ये बहुत मेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। और जैसे कि मैं यंग हूँ तो मैं जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जैसे वाइस है, नेशनल जियोग्राफिक है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो वो हम देखते हैं क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल है। और जो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया में बनती है वो यूथ को आज बहुत कम समय होता है और वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो आपकी जो क्वालिटी है वो नो डाउट बहुत अच्छी है, आपने एनिमेशन से लेकर आपने बारीकी में जाकर जो डेप्थ नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप, मुझे इकोनॉमिकल नहीं पता, लेकिन अगर आप ऐसे हमारे देश में नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट टू वेस्ट, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हिस्टोरिकल हैं और जिस पे इंडिया, नई इंडिया से बाहर भी बहुत सारे लोग इस पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो अगर आप ये बाकी टॉपिक्स पे बना पाएँ, और जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, यूट्यूब है, इस पे अगर इसको आप अवेलेबल कराओ, कि ये अभी जो ट्रेंड है उसके अंदर हम, हमारे वहाँ पे नेटफ्लिक्स पे चीज़ें देखते हैं। अब हम टीवी कनेक्शन है ही नहीं, सब कुछ वाईफाई पे आ गया, तो आपका जो मूवी है वो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ पे सपोर्ट कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा होगा। और बाकी मेरे लिए तो ये बहुत शानदार, मुझे प्राउड हुआ कि बहुत अच्छी मूवी हमने बनाई। थैंक यू सर। इसमें फीचर का भी टच, फीचर फिल्म जैसे है ना, वो कहानी चित्र जैसे है, आपने कई शॉट को ऐसी तरह लिए हैं तो देखने में लग रहा था कि ये हम कोई कहानी चित्र भी लिख रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, मैकिंग तो बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सर। ये हमने सर 4K रेड ड्रैगन में शूट किया था, फिल्म कैमरे पे ही शूट किया था। अच्छा। बिकॉज क्योंकि बनारसी जो है लग्जरी टेक्सटाइल है, मैं चाहता था कि उसका लुक और कलर मतलब इतना उभर के आए जी, जब विजुअली लोग देखें तो उनको पता हो कि हम बनारसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका वैल्यू है। बहुत अच्छा। सत्यप्रकाश, जस्ट टू वर्ड्स, वन इज दैट बहुत ही एक्सप्रेसिव है, and the second word is very impressive. Thank you so much. Right? जैसे सर बोल रहे थे, सर ने बोला टेक्निकली, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे फिक्शन है, फिक्शन में तो ये है कि वी नो द स्टोरी, राइट, तो कहानी हमें मालूम है, हमें पता है आरंभ यहाँ है, अंत यहाँ पे है, उसके बाद थोड़ा काटना है। बट वेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्री, आई कैन अंडरस्टैंड, वी ऑल नो कि आप मैटर पे मैटर जो है कलेक्ट करते हैं, शूट करते हैं, चाहे वो पेपर पे है या शूटिंग है एक्चुअल। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हो सकता है सर ने सवाल किया आपसे, हो सकता है आपके
रॉ स्टॉक में शायद बहुत कुछ अवेलेबल अभी भी होगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको जो चैलेंज आपके सामने आया कि लेट से मैं 60 मिनट्स तक में इसको ख़त्म करना है, तो एक्चुअल आपका लेंथ शूट डेज और कितना आपके सामने चैलेंज आया कि क्या काट देना चाहिए क्या नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू आई मीन हमने शूट तो किया था मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हमने इस प्रोजेक्ट में टाइम दिया है और शूट हमने कुछ 15 दिन किए थे अलग अलग जगहों पर, सो मैटर बहुत सारा था लेकिन फोकस हमारा था कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को इस तरह से ना बनाएं कि प्रोपोगेंडा लगे। होता क्या है कि अगर आप जैसे आजकल डॉक्यूमेंट्रीज का चलन भी है और वो कमर्शियली वायबल भी है कि अगर आप किसी को ब्लेम कर देते हैं, अगर मैं किसी को एक इंसान को गवर्नमेंट को ब्लेम कर दूँ या किसी को, तो वो बिक जाती है, फिल्म बिक जाती है, लेकिन व्यूअर को कैसे हेल्प होगा। मेरी ये सोच थी कि चलिए अगर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, और मैं हर प्रोजेक्ट में अप्रोच ये रखता हूँ कि शायद इसके बाद मैं ना बना पाऊँ, तो एक जो फिल्म मैं बनाऊँ उसकी लाइफ बहुत सालों तक रहनी चाहिए। ये जो सब्जेक्ट है, कल को अगर वीविंग के ऊपर अगर कोई सोच रहा है और उसको लग रहा है कि वीवर के साथ क्या हो रहा है, तकलीफ क्या है, आर्ट क्या है, उसका क्राफ्ट क्या, जो भी है, तो अगर वो इसको देखे तो उसको सब आइडिया आ जाए। उसके बाद अगर उसको डिटेल में जाके किसी को ब्लेम करना है कि हाँ भैया ये वजह से कारण है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ को आज तक किसी ने दर्शाया नहीं था। आप अगर, मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया पहले इस सब्जेक्ट को बताने के लिए, मुझे किताबें नहीं मिल रही थी वीविंग इंडस्ट्री पे इंडिया के बारे में, अच्छे खासे बुक स्टोर्स में मैं गया हूँ, वहाँ पर वीविंग के ऊपर किताबें नहीं थी। मैंने कहा यार मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का सेकेंड बिग इंडस्ट्री है, उसकी किताबें अवेलेबल नहीं है, लोगों को लाइब्रेरीज जाने पड़ रहे हैं, और वीवर्स के बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी है। लोग दिखा रहे हैं तो उसको पॉलिटिकल सेंस से एक वीवर को पकड़ के कहते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ, अच्छा तकलीफ हो रही है, अच्छा किसने किया, 2 साल में कोई तकलीफ दे देगा क्या कोई, अब 10 साल में तकलीफ देगा, ये तो सालों से होते आ रहा है और हम ध्यान नहीं दे पा रहे। तो माई आइडिया वॉज कि ये फिल्म अगर कोई देखे एंड में, उसको वीवर के बारे में जानकारी हो, उसको पता चले कि भाई ये लोग आम नहीं है, वो जब अगर उस एटीट्यूड से कहता है कि भाई आप दे दोगे तो ले लेंगे वरना हम मांगने नहीं जाएंगे, वो एटीट्यूड एक आर्टिस्ट का एटीट्यूड है सर, मतलब वो शब्दों में उसने मुकद्दर और ये सब चीजें तो क्या होता है लोग अपने अपने सेंसिबिलिटी से कहते हैं, लेकिन वो जो एटीट्यूड मुझे दिखाना था कि एक आर्टिस्ट को ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जमीन पे आके आपसे नाक रगड़ के भीख मांगे कि भाई हमको हेल्प करो, ये आर्ट है, वो आर्ट को अपने जब तक चलना होगा वो चलाएंगे उस अपने एटीट्यूड से, और अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो भी वो अपना देख लेंगे। पर हमें समाज के नाते बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को ये पता हो और हमें सपोर्ट करना चाहिए। So my idea was to show that art and the beauty of that particular art so that one can feel it. कल को हम ये ना सोचे कि ये propaganda है और इनको ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। जब आपको art समझ में आ रहा है, जब आपको लग रहा है कि यार इतना difficult काम है, 3 महीने एक अच्छी साड़ी बनाने में, कभी कभी 8 महीने 10 महीने भी देते हैं, इसको इतना बनाने में लगता है और ये ख़त्म हो रहा है, तब आपके अंदर वो फीलिंग आती है। तो ये चीज़ मुझे, मैंने फोकस किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगी कि propaganda जैसी जा रही है वो मैंने उस पर फोकस नहीं किया। मैंने भी इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर जिस चीज को मैं पकड़ के चला था वो इन आर्टिस्ट को पकड़ के चला था, तो अगर मैं एक आर्टिस्ट की माइंड से ये चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसे आर्ट ही देख के चल रहा था, ये मेरी सोच है। बाकी इसको किसी भी तरह का स्टैंप दे जाए वो सबसे बड़ी चीज इसमें ये थी, एक बात आई इंटरडिपेंडेंस, बन जाता है तो वो आर्ट। Conceivably, if
For example, somebody set up, you know, a plot in which they had to lay out chips into computer parts and all that. That might be ideally suited to their skills in terms of a reskilling. So I'm just, you know, what would your thought be in terms of a reskilling of that kind, so that they could be economically, you know, self-sufficient also. Reskilling in what way? I mean, how to? You know, the point of reskilling is that you take a traditional artisan's skills mm-hmm. and you see what his special talents are, and you kind of provide a context, say computers, you know, where he can become economically self-sufficient in terms of products which are in demand on a wider scale. So what would your view to that be? Certainly, economically, that would be one answer for their families. See, I think understanding the trend, you know, everywhere, I mean, around the world, what people nowadays are looking forward to is, like, you know, a handmade thing. Like, if you see even paintings, you know, the paintings, if an artist has made, you know, a hand painting or anything, people appreciate. So I feel that, I mean, in this particular case, like, you know, all people should do is, like, you know, to give them a platform that these artists are making such, you know, luxury products, you know, and with their hand and all. They don't have to reinvent. All I feel is, like, you know, they should get a platform. And a lot of people are actually doing it. I mean, they are actually reinventing this particular Banarsi in a different way. But I feel that this is more, you know, how they say, like, it's an ancient art, and very few people are, like, you know, are left. You know, they say like 20 lakh weavers were there earlier, and now there are only 50,000 left. So if we give them a pedestal or a platform where they can just showcase it. The beauty of this particular, like, you know, product, if you see it, is amazing, you know. So I feel like, you know, that you don't have to reinvent, or you have to just make them available to the market.